टाइग्रेस T1 शॉट डेड। जी हाँ, जो टाइग्रेस है T1, उसे मार दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक टाइग्रेस को मारने की नौबत क्यों आई है, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब तक तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट काफ़ी प्लान्स निकाल रही है ताकि हम टाइगर्स को सेव कर सके, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्हें ही टाइग्रेस को मारने की नौबत क्यों आई है, इससे रिलेटेड कौन से लॉज है, इसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें यवतमाल डिस्ट्रिक्ट पांडरकवड़ा के आसपास जो टाइग्रेस T1 है उसे फ्राइडे रात को 11 बजे के आसपास शूट किया गया और मार दिया गया। अब महाराष्ट्र स्टेट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप जो ब्लू कलर में देख रहे हो वो है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। अब यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कुछ महीनों से, कुछ सालों से। सबसे पहले तो ये न्यूज़ में था जब फार्मर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के वजह से इनकी डेथ हो गई थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर पानी की काफ़ी समस्याएँ चल रही थी, इसलिए जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। और अब फिर से ये न्यूज़ में आ गया है क्योंकि जो पांडरकवड़ा है उसके आसपास जो टाइग्रेस T1 है उसे शूट किया गया और मार दिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। अब ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये अलग अलग न्यूज़पेपर से लेकर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसी के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस है, तो इसमें मेरे कोई भी व्यक्तिगत विचार या फिर ओपिनियंस नहीं है। अब देखिए, ये जो टाइग्रेस है T1, इसे शूट किसने किया है? हैदराबाद बेस्ड शार्प शूटर नवाब शहफत अली खान, इनके जो बेटे हैं असगर, इन्होंने इस टाइग्रेस को शूट किया है रात को 11 बजे के आसपास। अब जब इन्होंने टाइग्रेस को शूट किया है तो इनके आसपास कोई भी वाइल्ड लाइफ वेटरिनेरियन नहीं थे। अब अगर हम नॉर्म्स देखते हैं तो नॉर्म्स के मुताबिक जो वेटरिनेरियन होते हैं ये मैंडेटरी होते हैं अगर किसी भी टाइग्रेस या फिर टाइगर को शूट करना हो तो। और ये भी जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर दी हुई है कि नो वाइल्ड लाइफ वेटरिनेरियन वॉज अकम्पनिंग शूटर विच इज़ वॉयलेशन ऑफ द नॉर्म्स। अब देखिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है पिछले साल से ही इस टाइग्रेस के पीछे लगा हुआ है, इस टाइग्रेस को ढूंढने के पीछे लगा हुआ है। अब वो क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो टाइग्रेस है इसने 13 विलेजर्स का खून किया है, इसे मारा है, तो काफ़ी खूनखार और काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी थी ये टाइग्रेस, इसलिए जो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इस टाइग्रेस के पीछे लगा था और अब इस टाइग्रेस को मार दिया गया है। अब इस टाइग्रेस के 2 कब्स भी थे लेकिन फिलहाल ये अननोन है और जो डिपार्टमेंट है उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है एट प्रेजेंट इन्हें ढूंढने का। जैसे कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है मिश्रा साहब, उन्होंने कहा है कि वी विल नाउ सिट डाउन एंड प्रिपेयर अ फ्रेश स्ट्रेटजी टू कैप्चर देम। अब इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था कि पहले आपको ट्रैंकुलाइज करना पड़ेगा टाइग्रेस को, और अगर आप ट्रैंकुलाइज करने में असफल होते हो तो ही आप इस टाइग्रेस को मार सकते हो। ट्रैंकुलाइज मतलब होता है अनकॉन्शियस करना, और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस टाइग्रेस को मारा गया है रात को 11 बजे के आसपास। और अगर हम NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इनकी गाइडलाइंस के बारे में देखते हैं तो जो डार्टिंग होती है मतलब जो ट्रैंकुलाइज करने का एक वक्त होता है वो प्रोहिबिट किया गया है सनसेट और सनराइज तक, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर तो शाम को 6 बजे तक ही आप किसी भी टाइगर या फिर टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि इस टाइग्रेस को रात को 11 बजे के आसपास मारा गया है, इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज भी करने की कोशिश की गई थी तो ये भी एक इल्लीगल मूवमेंट होती है, क्योंकि NTCA जो है उनके गाइडलाइन के मुताबिक 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही आप टाइग्रेस या फिर टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर सकते हो। अब देखिए, हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या ऐसा कोई प्रावधान दिया हुआ है कि जहां पर आप टाइग्रेस या फिर टाइगर को मार सकते हो? तो जी हाँ, ऐसा दिया हुआ है सेक्शन 11/1A में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं वो परमिट कर सकते हैं किसी पर्सन को Schedule 1 के जो एनिमल है उन्हें हंट करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, अगर ये एनिमल ह्यूमंस के लिए डेंजरस होता है तो। जैसा कि हमने देखा था, ये जो टाइग्रेस है इन्होंने 13 विलेजर जो है उनका खून किया था, उन्हें मार दिया था, इसलिए ऑब्वियस है कि ये जो टाइग्रेस है ये ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो रही थी। तो यहाँ पर सेक्शन 11/1A जो है उसके मुताबिक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं वो परमिट कर सकते हैं किसी पर्सन को हंट करने के लिए, लेकिन इसके पहले कंडीशन ये है कि
उस टाइगर या फिर टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस टाइग्रेस को शूट करने का जो आदेश है वो इशू किया गया था प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो मिश्रा साहब हैं उनके द्वारा। और ये जो ऑर्डर है ये किसे इशू किया था, तो ये किया गया था नवाब शैफत अली खान को। मगर नवाब शैफत अली खान जो है ये इस इंसिडेंट्स के टाइम पर वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं थे। जो इनके बेटे हैं असगर साहब, उन्होंने इस टाइग्रेस को शूट किया है। अब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उनके मुताबिक जो खान साहब है उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया को, और उन्होंने ऐसा कहा था कि वो किसी भी लीगल ट्रबल में नहीं फंसना चाहते हैं इससे लेकर। जैसा उन्होंने कहा था कि T1 cannot be darted in the night and during day it is invisible. Hence I don't want to enter into legal trouble by violating present order. अब प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट AK मिश्रा साहब जो है उन्होंने ये बयान दिया है कि we had information about her movement near this road the whole of yesterday. So we had stationed a team with a tranquilization gun along with Asghar in vehicle. The team frequently saw the tigress in the forest compartment number 149 near the road, but the sighting was only fleeting. Finally, at around 11 p.m., one of our forest staffers managed to dart her with a tranquilization gun, but she charged at the team, forcing Asghar to shoot in self-defense. ये तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है मिश्रा साहब, उनका ये कहना है कि इन्होंने ट्रैंकलाइज करने की कोशिश की थी मगर जो टाइग्रेस है उन्होंने इनकी टीम पर अटैक कर दिया, तो असगर साहब जो है उन्हें सेल्फ डिफेंस में जो टाइग्रेस है उन्हें शूट करना पड़ा। तो ये था पूरा केस जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है। और ये जो केस है ये सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, तो इंडिया तक ही सीमित नहीं है, तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर ये चला गया है। क्योंकि काफ़ी जो NGOs है वो प्रोटेक्शन में आए थे टाइगर के कि आप टाइगर को शूट मत कीजिए। और यहाँ पर ये केस पेचीदा इसलिए हो जाता है कि भले ही इस टाइग्रेस को शूट किया गया है सेल्फ डिफेंस में, लेकिन फिर भी जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आप सनसेट के बाद ट्रैंकुलाइज भी करने की कोशिश नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर ये जो केस है ये काफ़ी पेचीदा हो जाता है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में थोड़ा हम यहाँ पर जान लेते हैं, यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्ट हो जाता है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर लागू नहीं होता है क्योंकि उनका अपना वाइल्ड लाइफ एक्ट है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें 6 स्केड्यूल्स दिए हुए हैं, तो इसमें से जो स्केड्यूल 1 है उसी के साथ साथ स्केड्यूल 2 जो है उसका पार्ट 2, इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं उन्हें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया जाता है। मतलब इन स्केड्यूल में, स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 के पार्ट 2 में जो भी एनिमल्स है अगर उनकी हंटिंग की जाती है तो उस पर हाईएस्ट पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। जिस तरीके से आप सलमान खान का भी केस देख सकते हो, तो वो भी इसी वजह से काफ़ी सुर्खियों में रह रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा है। तो इसमें पैसों के मामले में भी पेनल्टी दी जाती है, उसी के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है। और फिर जो स्केड्यूल 3 और स्केड्यूल 4 में आते हैं वहाँ पर प्रोटेक्शन जो है इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है, और वहाँ पर जो पेनल्टीज़ है वो इसके मुकाबले काफ़ी कम है। और जो स्केड्यूल 5 में आते हैं एनिमल्स उन्हें हंट भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन क्रो जो होते हैं, फ्रूट बैट जो होते हैं, माइस होते हैं, रैट्स होते हैं। तो ये जो एनिमल्स है ये आते हैं स्केड्यूल 5 में, और स्केड्यूल 5 में जो एनिमल्स है उन्हें हंट भी कर सकते हैं, उन पर किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है। और स्केड्यूल 6 में कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि प्रोहिबिट किए गए हैं कल्टीवेशन और प्लांटिंग से। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो टोटल यहाँ पर 50 टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में, 50 टाइगर रिजर्व के आसपास हमें देखने को मिलते हैं जो कि गवर्न किए जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। अब यहाँ पर इंडिया जो है वो 70% जो टाइगर्स है वर्ल्ड में उसका होम है, मतलब भारत में कितने ज़्यादा टाइगर्स यहाँ पर पाए जाते हैं आप देख सकते हो। 2006 की अगर हम बात करते हैं तो 2006 में हमें लगभग 1411 टाइगर जो है वो देखने को मिल रहे थे। और ये प्रोजेक्ट टाइगर की बदौलत जो अवेयरनेस हमने क्रिएट किया था कि टाइगर्स को हमें सेव करना चाहिए, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी इस मुहिम में शामिल हुए थे, तो उसके तहत 2010 में हमें 1706 इतने जो टाइगर्स हैं वो देखने को मिले थे। और 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 2226 टाइगर्स हमें टोटल देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम 2016 की बात करते हैं तो ये जो आंकड़ा है ये फिर से बढ़ चुका है, और ये आंकड़ा हो चुका है 3890 के आसपास अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्लोबल टाइगर फोरम।
अब यहाँ पर आप टाइगर रिजर्व जो है भारत के कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व देख सकते हो। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है, जैसे यहाँ पर कॉर्बेट आपको नज़र आएगा, उसी के साथ साथ जो यहाँ पर काजीरंगा है वो आपको नज़र आएगा। काजीरंगा जो है वो एक और एनिमल के लिए काफ़ी फेमस है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे मेलघाट का जो है, उसी के साथ साथ ताड़ोबा, तो ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर बंडीपुर है, पेरियार है, अन्नमलाई है, तो ये जो टाइगर रिजर्व है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।